राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने 2019 के लोकसभा चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लड़े जाने का प्रस्ताव पारित किया है। 2014 में सत्ता संभालने के बाद एनडीए की दूसरी बैठक सोमवार को दिल्ली में हुई और इस बैठक में ये फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई इस बैठक में 33 घटक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें महबूबा मुफ्ती, उद्धव ठाकरे, चंद्रबाबू नायडू, प्रकाश सिंह बादल, रामविलास पासवान, अनुप्रिया पटेल, उपेंद्र कुशवाहा, रामदास अठावले भी शामिल थे। मोदी सरकार के कामकाज के साथ साथ इस बैठक में अगले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। इसके अलावा मीटिंग में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के मसले पर भी चर्चा हुई। इस बैठक से ठीक पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच करीब आधे घंटे तक बैठक हुई। बैठक के बाद एनडीए नेताओं के लिए प्रधानमंत्री की ओर से डिनर का आयोजन किया गया।